चाहिए। हमने 30 साल लड़ाई करने के बाद ही रिटायर्ड कर्मचारी को सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट मिला। हम 40 साल के ऊपर लड़ाई करने के बाद ही सभी इंडस्ट्रियल वर्कर को लोअर ग्रेड स्ट्रक्चर मिला। ये सभी विकास है। लड़ाई शुरू करो। हमने एनपीएस के खिलाफ में लड़ाई शुरू किया। एनपीएस में ग्रेचुटी नहीं था, अभी ग्रेचुटी का आर्डर है। एनपीएस में आदमी मरेगा तो उनका फैमिली को पेंशन नहीं था, फैमिली पेंशन। अभी वाइल्ड इन सर्विस एक्सपायर होगा तो उनका फैमिली को फैमिली पेंशन। ये सब तो लड़ाई में ही मिला ना। इसलिए आप लड़ाई करो कास्टिंग सिस्टम के खिलाफ में, आज नहीं तो कल सरकार हमारा डिमांड को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर कास्ट का नाम पर आर्डेंस फैक्ट्री माल आपसे परचेस नहीं करेगा। ये देश का प्रॉपर्टी है, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इसको लेकर लड़ाई करो साहब। यस, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ, सरकार ने नाम पर डिक्लेयर किया हमारा काम को, उसका खिलाफ वो साफ करने का समय इसका खिलाफ में भी लड़ाई करना पड़ेगा। ये कॉस्टिंग सिस्टम का खिलाफ में हम लोग का नया लड़ाई अभी शुरू होना चाहिए साथी। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑलरेडी तीनों फेडरेशन का हमने बोला आपको, हड़ताल का नोटिस है सरकार का सामने। अभी तीनों फेडरेशन का जल्दी बैठक हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहा हूं एएडीएफ अकेला लड़ाई करेंगे, ठीक है। एएडीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो हमारा कितना ताकत है, हमारा कितना कैपेसिटी है, उसको लेके हम लड़ाई को करेंगे। लेकिन सबको लेके लड़ाई करना पड़ेगा, उस रास्ता में है। ये तो हमारा पॉलिसी इश्यू है कंपनी। फिर हम लोग केंद्र सरकार कर्मचारी भी है, हमको बिट्रे किया सरकार, हमको चीटिंग किया ही सरकार। अभी तक कोई पे कमीशन, इतना अन्याय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ में नहीं किया। हम थर्ड पे कमीशन में नौकरी में आया, मजुमदार उपासे ये सब थर्ड पे कमीशन का समय हम लोग नौकरी में आया। उसका बाद हम लोग 4 दे का 5 दे का 6 दे का अभी 7 दे। ऐसा कोई पे कमीशन नहीं है, केवल 14% 10 साल का बाद, 10 साल का बाद केवल 14%। इसी देश में एक सरकार था एमपी गुजरात का, देश का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर इंद्रजीत गुप्ता उसमें होम मिनिस्टर था। 40% हमको दिया, 40%। इतिहास उसका बाद, उसका वजह से चेकअप पे कमीशन भी हमको 40 दिए। लेकिन इस पे कमीशन और इस सरकार केवल हमको 14% दिया। हम लोग ने रेलवे के साथ मिलकर वही बड़ा पाई है, आपको मालूम है। वही लोग 1 घंटा बंद करेगा तो पूरा देश बंद होगा। उनका नंबर ही ज्यादा है, 35 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी में वो खुद 14 लाख। उनका साथ मिलकर हम लोग ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाया, हड़ताल का नोटिस दिया। राजनाथ सिंह का चेयरमैनशिप में प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाया, उन्होंने बुलाया, बातचीत किया, आश्वासन दिया मिनिमम तनख्वाह में परिवर्तन करने के लिए और ट्रिपन फैक्टर बदल करने के लिए, एनपीएस का अंदर एक गारंटी पेंशन के लिए हम एक हाई लेवल कमेटी बनेगा। उस कमेटी आपका डिमांड पूरा कंसिडर करेगा, यह आश्वासन तो दिया। लेकिन अभी 2 साल होने के बाद कुछ भी नहीं। एनपीएस भी ऐसा ही पड़ा है, मिनिमम तनख्वाह में कोई परिवर्तन नहीं है, ट्रीटमेंट फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं है, सरकार आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में साथियों अपना फेडरेशन रेलवे फेडरेशन से बात किया। हम लोग उनको बोला, भाई साहब आप ही बड़ा भाई है, आपको मालूम है अभी इस सरकार इलेक्शन को फेस करना पड़ेगा, इलेक्शन को जाना पड़ेगा ना इस सरकार। ऐसा ही सरकार साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज होकर बैठा है, कारण
इस बीच में कितना भी इलेक्शन हुआ, वही इलेक्शन सब वही इलेक्शन में बीजेपी हार गया। कर्नाटक में मेजोरिटी मिलने के बाद भी सरकार फॉर्म नहीं किया, यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। हम केंद्र सरकार कर्मचारी सब मिलके हम लोग तो अनिश्चित काल हड़ताल को डिफर किया, उसको फिर रिवाइव करेगा तू? सरकार का सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को बुलाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसलिए रेलवे भाई साहब आप मीटिंग बुलाओ, उन्हीं लोग हमारे एक्शन कमिटी का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, हम लोग रिक्वेस्ट किया आप मीटिंग बुलाओ, केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए पूरा इश्यू के बारे में डिस्कस करो। हम लोग ने बहुत प्रयास करने के बाद कॉमरेड्स 3 तारीख जुलाई 3 तारीख दिल्ली में सभी फेडरेशन का बैठक हुआ, विस्तार में डिस्कस किया हमने आपका सामने, अभी क्या विचार रखा उस मीटिंग में भी वही विचार रखा है। हमने उन लोग को रिक्वेस्ट किया बाबा स्ट्राइक